लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। यहां से कितनी दूर है आपका डाक बंगला? बस थोड़ी ही दूर है मेरी मंजिल। और तुम्हारी मंजिल भी। इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकती। ये हद है मेरे इलाके की। इस इलाके के बाहर मेरी शक्तियां काम नहीं कर सकती। अगर आपने मेरी ताकतें बढ़ा दी तो मैं शक्तिमान को मार दूंगी महामहिम। आपने कौन सा सरप्राइज देने के लिए बुलाया था? अरे सरप्राइज यही है गीता, कि हम लोग सब पिकनिक पे जा रहे हैं। जी यार, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आगे तक लिफ्ट देंगे प्लीज? मेरा इलाका आ गया, यानी वक्त हो चुका है खेल शुरू करने का। और अब देखिए, ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का। तुम बताओ कितना इंतजार करना होगा, कब ठीक होगी ये बस? कोशिश करेंगे मैडम, ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो रात भर यही रुकना पड़ेगा। माय गॉड, होल नाइट? अरे लेकिन सारी रात इस जंगल में रुकेंगे कैसे? रुकना तो पड़ेगा साहब, अब इतनी रात में सुनसान जंगल में किसी मैकेनिक को कहाँ ढूंढने जाएंगे हम? हो गॉड, सारी रात पिकनिक? पिकनिक भाई, पिकनिक में ऐसा ही आनंद होता है, अब मनाइए पिकनिक। अरे आप अभी तक गई नहीं? नहीं, जा रही थी मगर बस को रुका देखा तो रुक गई। आपको कुछ प्रॉब्लम है? अय्यय्यो मैडम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जी। जब से आपने बस को रुकवाया है, हमारा बस तो पूरी तरह से रुक ही गया जी, इंजन में खराबी आ गया जी। ओह, अब आपको यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे अब आप लोग? अब करेंगे क्या, यहीं पर पूरी रात गुजारनी होगी, इंतजार करना होगा, और क्या? अगर आप लोग बुरा न माने तो आप लोग उस डाक बंगले में रात गुजार सकते हैं। सच? नहीं नहीं,
आप क्यों परेशान होती हैं? हम यही ठीक हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है, काफी जगह है वहाँ पर। और फिर आप लोगों ने मुझे लिफ्ट भी तो दी थी, तो फिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। चलिए ना डाक बंगले पर मेरे साथ। आई थिंक गीता जी, हम सबको मैडम के साथ जाना चाहिए। हम लोगों को बॉश में रहने से अच्छा है कि वही डाक बंगले में चलकर रहता है। हाँ दीदी। हाँ गीता, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। गंगाधर, तुम्हारा क्या विचार है? अब वो सब लोगों की यही राय है तो ठीक है, चलिए। हाँ अच्छा, तो फिर ठीक है, चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम दोनों यहीं रहकर सामान का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मैडम। चलो चलो अम्मा, अम्मा कहाँ तुम अम्मा? अरे बाबा, लेकिन ये डाक बंगला है कितना दूर? बस थोड़ी ही दूर, आइए मेरे साथ। चलो अम्मा, चलो सब साथ में चलो। पता नहीं कुछ अजीब सा अवश्य लग रहा है, परंतु क्या? खैर चलो देखते हैं। आज बहुत खाना मिलेगा मेरी गुलाम आत्माओं को, और मुझे शक्तिमान। अरे आप लोग यहाँ क्यों रुके? आइए ना, यही है डाक बंगला। थोड़ी देर भूख को रोक नहीं सकते। वो जंगल के सियार और भेड़ियों की आवाजें थी। भूख लगने पर वो ऐसा ही शोर मचाते हैं। लेकिन आप लोग घबराइए मत, वो यहाँ नहीं आएंगे। आप लोग चलिए अंदर मेरे साथ। क्या बात है, उन्होंने कहा ना डरने की कोई बात नहीं है। चलो, इतने बहादुर बच्चे होकर डरते हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो जल्दी चलो अंदर। घबराना मत बेटे। दूर दूर तक कोई जानवर नजर नहीं आ रहा। इतनी आवाज का मतलब है कम से कम 10-15 भेड़ी और सियार तो होने ही चाहिए थे। फिर कहां चले गए सब जानवर? ये रुक क्यों गया? लो, नई समस्या का समाधान अभी सूझा नहीं, पुरानी समस्या फिर चली आ रही है। अब आते ही वही राग अलापेगी। मैं जानती हूं तुम यहां क्यों रुक गए। हाँ, हम यही चाहते थे कि हमें यहां पर रुका हुआ देखकर आप हमारे पास चले आए।
सच? हाँ, और फिर हम चारों तरफ फैली हुई इस सफेद चूने की चांदनी में, हाँ, रात में भूतों की तरह खड़े हुए इन वृक्षों के बीच, हाँ, और शहर के प्रदूषण को अपने आप में समेट कर बहती हुई इस हवा में सांस लेते हुए, हाँ, उस दागदार चांद को साक्षी मानते हुए हम आपसे ये कह सके कि ये की बोलो ना की क्या कि तुम शादी के लिए राजी हो गए हो, यही कहना चाहते हो ना? बिल्कुल गलत जवाब, माँ बदौलत ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहते थे। तो अरे हम तो आपसे ये कहना चाहती थी कि आप आपको क्या हो गया है, क्यों हमारे पीछे सुबह से पड़ी हुई है? अरे अरे दुनिया जानती है कि आप शक्तिमान भैया से प्रेम करती हैं और शादी की बात आप गंगाधर से कह रही हैं। अरे अरे क्या हो गया आपको, कोई सुन लेगा तो क्या होगा? अरे कम से कम अपनी नहीं हमारी नहीं, कम से कम शक्तिमान भैया की प्रतिष्ठा का तो जरा सोचिए। आप तो सोचती नहीं, बस कहे चली जा रही है, कहे चली जा रही है, कहे चली जा रही है। अब चलिए हमारे साथ। और अगर मैंने सबको जाकर ये बता दिया कि वास्तव में मैं गंगाधर से प्रेम करती हूँ तो बता दो, परंतु क्यों नहीं कह सकती? बल्कि मैंने सोच लिया है कि अभी इसी वक्त मैं सबसे पहले सबको जाकर ये बता दूंगी कि शक्तिमान तो सिर्फ मेरा आइडियल है, वास्तव में मेरा रोमांस गंगाधर से है और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। हाँ क्यों, जाकर सबको अभी अपनी शादी की न्यूज़ दे दे गंगू डियर। अरे आपकी बात पर विश्वास कौन करेगा? क्यों, अरे कहाँ वो राजा भोज और कहाँ हम गंगू तेली। अरे शक्तिमान केवल आपका आदर्श है और गंगाधर आपका प्यार, अरे कौन मानेगा आपकी बात को? अरे कहाँ वो इतना सुंदर शक्तिमान भैया और कहाँ ये बंदर दिखने वाला गंगाधर, अब कौन मानेगा आपकी बात कि आप उस सुंदर शक्तिमान भैया को छोड़कर इस 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 बंदर दिखने वाले गंगाधर से प्यार करती है? हाँ, अगर मैं कहूँ तो सब विश्वास करेंगे। क्यों, मजनू की लैला जो थी वो काली नहीं थी क्या? लेकिन मजनू ने उससे फिर भी प्यार किया ना? क्यों, मजनू के सामने और खूबसूरत लड़कियां नहीं थी? और वैसे भी मुझे तुम किसी भी एंगल से बंदर नहीं लगते, और अगर हो भी तो क्या हुआ, क्यूट हो, क्यूट मंकी। तो फिर चले आज ऐलाने इश्क कर ही देते, चलो। अरे परंतु आप कैसे कर सकते हैं? अरे इतना घबराते क्यों गंगाधर? देखो शादी के बाद मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहना ना। हाँ, अब शक्तिमान बनकर तो तुम मुझे एक अलग से घर लेकर तो नहीं दोगे? हाँ नहीं, क्योंकि शक्तिमान तो तुम तभी बनते हो जब कोई मुसीबत में होता है या किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ती है कि नहीं? हाँ, तो फिर चलो ना, चलकर सबको हमारी शादी की बात बताते हैं। अरे क्या करती, क्या कर रही है आप? अरे चलो ना गंगाधर। अच्छा ठीक है, मैं अकेली जाकर सबको बता दूंगी। परंतु आप ऐसे कैसे कर सकती है? अरे देवी जी आप क्या करने जा रही है, अरे क्या करने जा रही है आप? अरे ज्यादा तो उसकी पट्टी मत बांधना। अब क्या होगा वत्स, ये तो सचमुच ऐलान करने जा रही है। तो फिर हाँ बोलो, बोलती हो कि नहीं? सुनो सुनो सुनो, अभी पकड़ती हूँ, अभी पकड़ती हूँ मैं आप लोगों से। अरे अरे सुनो, मैं अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी बात तो सुनिए। देख कर रहे हो, बांधो बांधो। अरे अरे मैंने कहा ना नहीं। अरे आग के साथ मुंह भी बंद कर दो। अरे बाबा प्लीज, अरे बांधेगी कैसे, भी जोर से बांधो। लेकिन ज्यादा टाइट नहीं। हम लोग पिकनिक पर आए हैं और पिकनिक पर तो हंसी मजाक खेल कूद ये सब चलता है ना। Ready?
बस अब मेरा भी खेल शुरू होने वाला है गीता विश्वास। उधर उधर राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट दाएं दाएं। अरे कोई पकड़ में नहीं आना। तैयार हो जाओ मेरे गुलामों, तैयार हो जाओ। ये बात है, यहां तो शैतानी आत्माओं का जमघट लगा हुआ है। आ जाओ। तो ये है इसका असली रूप। से बचकर नहीं जा सकते तुम लोग। कौन हो तुम? मतांडिका, तमराज किल्विश की एक गुलाम। ये मेरा इलाका है। इस इलाके से रात को जो भी इंसान गुजरता है उसे मारकर उसकी आत्मा को मैं अपना गुलाम बना लेती हूँ। इंसान के मुर्दा जिस्मों को मेरी गुलाम आत्माएं खा जाती है। वो आवाजें सुनी थी ना भेड़ियों और सियारों की? दरअसल वो भेड़ियों और सियारों की आवाजें नहीं थी, मेरी गुलाम आत्माओं की आवाजें थी। तुम सब मारे जाओगे, मगर उससे पहले मरेगा शक्तिमान। शक्तिमान? हाँ, उसी की वजह से तो तुम सब लोगों को जाल में फंसाकर मैं यहां लाई हूं गीता विश्वास। वो तुम्हारा प्रेमी है ना, तुम्हें मुसीबत से बचाने जरूर आता है। वो इस बार भी आएगा, मगर तुम्हें बचा नहीं पाएगा, मारा जाएगा मेरे हाथों। शक्तिमान को मारते ही तमराज किल्विश मुझे इस दुनिया की ताकतवर हस्ती बना देंगे। मगर अफसोस, शक्तिमान के साथ साथ तुम सब लोगों को मरना पड़ेगा। चलिए बाहर चलिए, सुनिए जल्दी करिए जल्दी करिए, चलिए हरी अप हरी अप।
कैसे गिर गया? आज तू जिंदा वापस नहीं जाएगा शक्तिमान। ये तो सारी आत्माएं हैं, इन्हें मातांडिका की गुलामी से अग्नि के स्पर्श से ही मुक्त किया जा सकता है। क्या सोच रहा है शक्तिमान? मेरी गुलाम आत्माएं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मार डालो इसे। तुम्हारी सारी गुलाम आत्माओं को मैंने तुम्हारी गुलामी से मुक्ति दे दी है। अब तुम्हारी बारी है मातांडिका। तू मुझे नहीं मार सकता शक्तिमान। हमारी मुलाकात फिर से होगी और तब तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी शक्तिमान। दोस्तों मेरा काम खत्म हो चुका है, अब आप लोग अपने अपने पिकनिक मनाइए, मैं चलता हूँ। शक्तिमान तुम भी हमारे पिकनिक में शामिल हो जाओ ना। नहीं मैं नहीं रुक सकता, क्या पता कब कहाँ किसको मेरी जरूरत पड़ जाए। आप लोग अपनी पिकनिक एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। दोस्तों अगर आज शक्तिमान नहीं आता तो हम सबको बचना मुश्किल था। हॉरर से तो मुक्ति मिल गई। और संयोग देखिए कि हम पिकनिक भी जा रहे थे हर हर गुट्टू और पहुंच गए कहाँ? हॉरर गुट्टू। मुझे लगता है मुक्ति हो गई। हमारे सामने अंधेरा को क्योंकि तुमने ये पहना हुआ है। अरे ये तो सचमुच उजाला हो गया, परंतु हम इसके अंदर कैसे घुस गए? अरे हम तो वहाँ पर वो चुड़ैल को देखकर मूर्छित हो गए थे।
परंतु आप लोग सचमुच कृतज्ञ लोग हैं, हमें वहाँ पर मूर्छित छोड़कर उस चुड़ैल का आहार बनाकर भाग लिए, भाग लिए। अंकल चुड़ैल भाग गई। हाँ, भाग गया, भाग गया। चुड़ैल भाग गई। शक्तिमान आया था, उसने उसको भगा दिया। हाँ। शक्तिमान आया था, उसने उस चुड़ैल को भगा दिया। हाँ। शक्तिमान आया था। हाँ, आया था, लेकिन आप सोचो हमें क्या करना है। अरे करना क्या है, ये लपेट कर अंदर जाकर सो जाते। आइए आइए। अंदर भय लगता है। भय? ये भय क्या है? डर। यू मीन भयभीत? ठीक है, अंदर नहीं चलते, ये बाहर बाहर बरामदे में बैठ। बरामदे में अंदर से आ सकती है तो ठीक है। अरे विजडम ट्री, आई एम विजडम ट्री अर्थात बुद्धि वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर लेते हैं। आइए आइए। ऐसे ही किसी वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान लगाकर ज्ञान की प्राप्ति की होगी। आइए हम भी ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या सोचा है? बात करूं सबसे हमारी शादी के बारे में? अच्छा चलो, आज रहने देते हैं, फिर कभी। हाँ ये ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं दे रही हूँ, जल्दी फैसला करना। समझ गए ना? अयो गंगाधर जी, अब समझना ये है कि सवेरे हम लोग को क्या करने का है। अरे करना क्या है, बस रिपेयर करवाएंगे और हर हर गुटू जाएंगे, क्यों गंगाधर? हाँ, और वहाँ जाकर वन भोज खाएंगे। जी नहीं है? पिकनिक खत्म, बहुत हो गई पिकनिक। आप लोग सब यहाँ आइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम सब शहर वापस जाएंगे। अरे जाकर ये भी तो देखना है कि जो कॉमिक्स हमने निकाली है उसका पब्लिक रिस्पांस क्या है, लोग इसे पसंद कर भी रहे या नहीं। लेकिन शहर जाएंगे कैसे, बस तो खराब है। अरे वो बस खराब करने वाली मतांडी का तो चली गई, बस अपने आप ठीक हो गई होगी। एग्जैक्टली, इसलिए पिकनिक फिनिश, अब हम सब बस में जाएंगे और कल सब ऑफिस में मिलेंगे। चलो चलो चलो, चल के ड्राइवर साहब और कलिंगर को उठाते हैं। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, बढ़ना है तेरा काम, चल चल रे नौजवान। अरे देखो कितने सारे लेटर्स हैं, देखो इतने सारे लेटर्स और आ गए। हाँ मैडम जी, अभी तो तीन तीन बोरे और बाहर पड़े हैं। क्या? हाँ, लगता है उन्हें उठाते उठाते मेरी कमर टूट जाएगी। तो यार जल्दी जल्दी कमर तोड़ो ना। क्या कहा आपने? मेरा मतलब है उन बोरों को भी जल्दी से उठा कर लाओ, मैं सारे लेटर्स एक साथ देखना चाहता हूँ। जी आप लोगों को लेटर की पड़ी है, हमारी कमर की तो कोई सोचता ही नहीं। देखो देखो ये वाला लेटर कितना अच्छा है ना। इतने सारे लेटर्स? हाँ गीता, सचमुच कमाल हो गया ना। इतने सारे लेटर्स, इतने सारे बधाई पत्र, लगता है सारे शहर की डाक हमारे ही ऑफिस में आ गई है। अयो रीता जी, इसको बोलते हैं रियल पॉपुलैरिटी। अरे इन सब चिट्ठी को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा एक कॉमिक हिट नहीं सुपर हिट हुआ है जी, सुपर हिट। क्यों घोष बाबू? अरे सुपर नहीं बाबा, डुपर बोलो, डुपर, सुपर डुपर हिट। आज तक इतना हिट कोई चीज नहीं हुआ हो। यस दीदी, 15 लाख कॉपियों का ऑर्डर आ चुका है। 15 लाख? हाँ, और सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि कई अन्य भारतीय भाषाओं और यहाँ तक कि कुछ विदेशी भाषाओं की कॉपियों का ऑर्डर भी आ चुका है। मुझे तो लगता है कि हमें शहर के आधे प्रिंटिंग प्रेस बुक कराने होंगे इसके लिए। सचमुच शक्तिमान ने भी नहीं सोचा होगा कि उसका कॉमिक्स इतना पॉपुलर हो जाएगा। शक्तिमान भैया सोचते नहीं है, करके दिखा देते हैं। आओ आओ गंगाधर, आओ आओ, देखो आओ देखो। अरे तुमने सोचा था कि हमारा कॉमिक्स इतना हिट होगा? हाँ बिल्कुल, 100% वही हुआ जो हमने सोचा था। अरे छोड़ो गंगाधर, अब झूठ मत बोलो। असली बात तो ये है कि तुम्हें विश्वास ही नहीं था कि शक्तिमान की कॉमिक्स छपेगी भी। अरे नहीं वो गंगाधर जी, ये बात तो सुधांशु जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं। इसीलिए तुम जाके उधर कॉलेज में नौकरी किया, क्योंकि तुमको हमारा कॉमिक का नौकरी सिक्योर नहीं लगता था। अरे नहीं, बोलो, बोलो, वरना अगर तुम हमारे साथ होते तो गीता को कॉमिक्स के लिए अमेरिका से इंडिया आने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
क्योंकि शक्तिमान की पूरी कहानी तुम्हें भी पता थी गंगाधर। हाँ गंगाधर, जवाब दो, मुझे अमेरिका से इंडिया आने की क्या जरूरत थी? दरअसल हम चाहते थे कि शक्तिमान भैया की कहानी गीता देवी जी ही लिखें। लेकिन क्यों? अब क्यों क्या देवी जी, यह आपका अधिकार था और पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ किसी का अधिकार नहीं छीनता, इसलिए हम पीछे हट गए। परंतु आज कॉमिक्स का यह परिणाम देखकर हमें भी उतनी खुशी हो रही है जितना कि आप सभी लोगों को हो रही है। चलो, पहली बार तुमने एक बात तो मान ली कि शक्तिमान पर मेरा अधिकार है। अरे इसके मानने या ना मानने से क्या होता है गीता, सारी दुनिया तो मानती है ना, शक्तिमान से पूरी तरह जुड़ी हुई हो तुम। यस दीदी, आज जितने लोग शक्तिमान को जानते हैं उतने लोग आपको भी। गीता विश्वास और शक्तिमान, यही तो है आज दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज। नमस्कार, शक्तिमान और गीता विश्वास आजकल सब जगह बस इन्हीं के चर्चे हैं। अभी शक्तिमान की कॉमिक्स को लोगों के बीच आए हुए कुछ ही दिन बीते हैं, पर सारे लोगों की जबान पर सिर्फ एक ही बात चढ़ी हुई है और वो है शक्तिमान की कॉमिक्स। हम आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में शक्तिमान की कॉमिक्स का उद्घाटन एक रंगारंग संगीतमय कार्यक्रम में किया गया, जिसमें मशहूर पत्रकार और शक्तिमान की दोस्त गीता विश्वास ने अपने सहयोगी पंडित गंगाधर शास्त्री के साथ शक्तिमान की पूरी कहानी को संगीतमय ढंग से सुनाया था, जो लोगों के बीच काफी चर्चित रहा। और अब शक्तिमान की कहानी कॉमिक्स के रूप में निकलने से आज कॉमिक्स जैसी बच्चों की चीज भी लोगों के बीच काफी मशहूर हो गई है, क्योंकि बच्चों का दोस्त शक्तिमान छोटे बच्चों के साथ साथ अब बड़ों और बूढ़ों का भी दोस्त बन गया है। बड़े बूढ़े भी शक्तिमान की कॉमिक्स में दिलचस्पी लेने लगे हैं। बैंक, दफ्तर, पुलिस स्टेशन, बाजार, सब जगहों पर इस कॉमिक्स की चर्चा और कॉमिक्स पढ़ते हुए लोगों को देखा जाना एक आम बात हो गई है। बच्चों के माता पिता शक्तिमान को एक आदर्श व्यक्ति बताते हुए उसके कॉमिक्स का बच्चों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव से इनकार करते हैं। उनके अनुसार शक्तिमान के जीवन से जुड़ी सच्चाई उनके बच्चों के चरित्र निर्माण में सहयोग देगी, चाहे वो किसी कॉमिक्स के रूप में ही क्यों ना हो। अब तक मिले आंकड़ों के हिसाब से देश भर में इसकी करीब 10 लाख कॉपी बिक चुकी है और ये आंकड़ा 50 लाख तक पहुंच जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान की कॉमिक्स, शक्तिमान बच्चों का दोस्त, शक्तिमान बूढ़ों का दोस्त, शक्तिमान एक आदर्श। ओह, कब तक मेरे कानों को ये सारी बातें चुभती रहेंगी? नहीं शक्तिमान, नहीं, बुरी लगती है मुझे तुझसे जुड़ी हर चीज, बुरी लगती है शक्तिमान। कुछ करना होगा मुझे, सिर्फ तेरा ही नहीं, तुझसे जुड़ी हर चीज का मुझे कुछ करना होगा शक्तिमान, हर चीज का मुझे कुछ करना होगा। ये अगला लेटर है, लिखा है, प्रिय गीता दीदी नमस्कार, आपसे प्रार्थना है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शक्तिमान की कॉमिक्स पढ़ने के बाद हमारे मन में ये सवाल उठते हैं कि वास्तव में शक्तिमान कौन है, वो आम इंसान से शक्तिमान कैसे बना, मगर इनका जवाब हमें कॉमिक्स में नहीं मिला। आशा है आप हमारी बातों का बुरा ना मानते हुए कॉमिक्स के अगले अंक में हमें बताने का प्रयास करेंगी कि शक्तिमान का बचपन क्या था, क्या शक्तिमान भी बचपन में हमारे जैसा बच्चा ही था। शेष दूसरे अंक के बाद आपकी छोटी बहन शोभा, गोपालगंज भोपाल से। गीता जी, ये लोग और कोई नहीं बल्कि शक्तिमान कॉमिक्स के रीडर्स हैं, आप इन लोगों की बात को ठुकरा नहीं सकती है। रीता, जरा अंदाजा से बताना कि इसमें ऐसे कितने लेटर्स होंगे जिसमें लोगों ने यही कहा है। करीब 40% लोगों ने, गीता, ये सारे के सारे लेटर्स एक जैसे ही हैं। गीता, इन लोगों का महत्व कुछ कम नहीं है, इतने लोगों की बात हमें माननी ही होगी। गीत जय, सुधांशु जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं, हमको इन रीडर्स के सजेशन को मानकर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। बल्कि दीदी ने भी मुझे यही कहकर भेजा है यहाँ पर, और उन्होंने कल कॉमिक्स पढ़ने के बाद मुझे फोन भी किया था। अच्छा,
बताइए ना क्या कहा उन्होंने? यही कि क्या हो गया गीता जी को? कॉमिक्स में उन सवालों के जवाब तो है नहीं जो उन्होंने बहुत पहले किए थे। आपको याद है ना क्या सवाल किए थे उन्होंने? कॉमिक्स की शुरुआत शुरू से ही करनी चाहिए। और शक्तिमान की शुरुआत क्या है ये तुम्हें पता है ना गीता? हाँ क्यों नहीं, गीता ने जब शक्तिमान को पहली बार देखा था और उसकी न्यूज लेकर आई थी, यही से शुरू होगी शक्तिमान की कहानी। हाँ यही तो है शक्तिमान की शुरुआत, जब उसे दुनिया में पहली बार देखा गया था। नहीं, ये शक्तिमान की शुरुआत हो ही नहीं सकती। किसी भी इंसान की कहानी की शुरुआत उसके जन्म से ही होनी चाहिए। शक्तिमान की कहानी की शुरुआत भी उसके जन्म से ही दिखानी होगी। हमें ये बताना होगा कि जब वो पहली बार दुनिया में देखा गया उससे पहले वो कहाँ रहता था, उसकी इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से। मेरे ख्याल से इन बातों की जानकारी तुम्हें है गीता? हाँ गीता, ये सवाल सिर्फ इन लोगों का ही नहीं बल्कि हम सब लोगों का है तुमसे। हाँ दीदी, शक्तिमान कौन था, कहाँ रहता था, वो आम इंसान से शक्तिमान कैसे बना, ये सारी बातें हमें कॉमिक्स में बतानी होगी। लेकिन ऐसा मैं खुद नहीं चाहती हूँ हेमंत। मैं तो ये चाहती हूँ कि शक्तिमान के कॉमिक्स में कहानी ठीक वैसे ही चले जैसे वास्तव में चली थी। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैंने शक्तिमान को धीरे धीरे एक एक करके उसके कारनामों के जरिए जाना था, वैसे ही लोग भी उसे जाने। लेकिन गीता, लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि शक्तिमान के कारनामे वो पहले से ही देख चुके हैं। हाँ गीता, इसीलिए हमें उन्हें वो भी बताना पड़ेगा जो वो नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली हाँ गीता, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम शक्तिमान की पूरी कहानी शुरू से बताएं, मेरा मतलब है उसके बचपन से। इनका कहना भी सही है, लेकिन अभी शक्तिमान के बचपन की पूरी कहानी कहाँ से लाऊंगी मैं? दीदी मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको शक्तिमान के बचपन की पूरी कहानी नहीं छापनी है तो ना सही, लेकिन हम मोटी मोटी बातें तो कॉमिक्स के पहले पेज पे छापी सकते हैं ना। गीता जी, हेमल की बात में दम है, मेरे ख्याल से हमें हेमल के सजेशन को अपने नेक्स्ट इशू में ही शुरू कर देना चाहिए। हाँ गीता जी, हेमल का आइडिया एकदम सही है, इससे आपकी बात भी रह जाएगी और शक्तिमान से बचपन के बारे में आप विस्तार से बात भी बताइएगा, इससे पाठकों की भी बात रह जाएगी, उन्हें कम से कम शक्तिमान के बारे में मोटा मोटा परिचय तो मिल जाएगा। तो फिर हम डन संजय इस बात को। ठीक है। That's good, गीता जी। लेकिन मैं इन लोगों को शक्तिमान के बचपन की कहानी कैसे बताऊंगी? उसके बचपन की कहानी ना मुझे ठीक से पता है और ना ही शक्तिमान को। ये गीता विश्वास, ये फिर आ गई? तो क्या सोचा है? हुँ? बात करूं सबसे हमारी शादी के बारे में? अच्छा चलो, आज रहने देते हैं, फिर कभी। हाँ ये ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं दे रही हूँ, जल्दी फैसला करना। बाप रे, कहीं उसे फिर से शादी का जुनून तो नहीं चढ़ गया? तो ठीक है, भुगत लेते हैं। अरे खोलते हैं। अरे देवी जी आप, अरे सुप्रभात सुप्रभात, आइए आइए। कितनी देर लगाते हो दरवाजा खोलने में? अरे उतनी देर लगाते हैं जितनी दरवाजा खोलने में लगती है।
दरअसल दरवाजा खोलने में देर नहीं लगी देवी जी, हमें दरवाजे तक पहुंचने में देर लगी। अब आप पूछेंगे कि दरवाजे तक पहुंचने में हमें देर क्यों लगी, तो उसका उत्तर ये है। मैं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगी गंगाधर। आप नहीं पूछेंगी? जी नहीं। परंतु उत्तर बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। अच्छा एकदम मुंह बंद कर लेते हैं। तुम कुछ भी करो गंगाधर, लेकिन सबसे पहले दरवाजे के पास तुम एक बेल लगा दो। आई यू मीन घंटी? हाँ हाँ घंटी। एक तो दरवाजा इतनी देर से खोलते हो, ऊपर से बेल भी नहीं लगाते हो वहाँ पर। अरे दरवाजा पीट पीट कर मेरे हाथ दुख रहे हैं। हाथ दुख रहे ना? हाँ। अरे यही तो उद्देश्य है हमारा। वो क्या है देवी जी, यो जो लोग वो बेल लगाते हैं ना, घंटी लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि वो बेल दबाने वाले के सिर्फ अंगूठे मजबूत हो जाते हैं। हमारा सोचना ये है कि अगर घंटी नहीं होगी तो आदमी पीटेगा 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 तो उसके हाथ मजबूत हो जाएंगे कसरत की तरह। कभी नहीं सुधरोगे। अब खड़े खड़े ही बात करोगे या बिठाओगे भी मुझे? नहीं नहीं कुर्सी 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 है ना आइए 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 आगे आगे आइए आइए आइए। अरे कुर्सी क्या, सोफा है आपके लिए, सोफाए मान हो जाइए। आज मैं फाइनल जवाब लेकर ही जाऊंगी गंगाधर। जी जब तक तुम जवाब नहीं दोगे मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, समझे? फिर शुरू हो गया इसका जुनून। सुन लिया ना तुमने, मुझे आज ही जवाब चाहिए। अब तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा जवाब मेरे लिए कितना जरूरी है? तुम चुप क्यों हो गए गंगाधर? तुम मुझसे पूछोगे नहीं मुझे किस बात का जवाब चाहिए? हाँ हाँ? किस बात का? तुम्हारे बचपन से जुड़े सवालों का। वैसे तुमने तो यही सोचा होगा ना कि मैं तुमसे हमारी शादी की बात करने आई हूँ। हाँ नहीं, हमें तो 100% यही लगा था कि आप हमसे हमारी बाल्यावस्था की बातें पूछने आई हैं। अच्छा वेरी इंटेलिजेंट। अरे इंटेलिजेंट कहिए, समझदार कहिए, होशियार कहिए, बुद्धिमान कहिए, ना कहिए तो सिर्फ शक्तिमान ना कहिए, क्योंकि वो ठहरे राजा भोज और हम है गंगू तेली। आप हमें कह सकती है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोस्ट। वैसे आप तो हमारा नाम जानती हैं। हाँ हम आपको अपनी बाल्यावस्था के बारे में बताते हैं, एक विशेष बात बताते हैं। हाँ। हमारी बाल्यावस्था की विशेष बात जो थी ना। हाँ, क्या? जो विशेष बात थी ना। हाँ? वो विशेष बात ये है। हाँ? कि शक्तिमान